अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डैट व्हाट इज़ असेसमेंट असेसमेंट की क्या क्या टाइप्स होती हैं और फिर उनके आगे उनकी टाइप्स की डिटेल्स सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द असेसमेंट सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये असेसमेंट का वर्ड निकला कहाँ से इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ब एजिडरे जिसका मतलब होता है टू सिट विद असेस का मतलब होता है टू सेट विद ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जो है एसिडरे मीनिंग टू सेट विद अब असेसमेंट का जो मतलब है ना जो एक बहुत ऑब्वियसली डेफिनेशन इसकी वो ये है कि हम किसी की चीज़ को इवेल्यूएट करें यानी कि प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग है ये जिसमें हम ल, आ, किसी स्टूडेंट की या किसी लर्नर की लर्निंग को इंटरप्रेट करें उसको इवेलुएट करें डैट इज असेसमेंट तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि असेसमेंट इज़ एन इन असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंटरप्रेटिंग

मैयर एंड डॉक्यूमेंट दिक रेडीनेस लर्निंग प्रोग्रेस स्किल एकजिशन और एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट इसमें हम ये देखते हैं कि एक जो स्टूडेंट टीचर्स इसमें ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से अब लर्निंग को गेन करें उनकी क्या स्किल हैं वो किस तरह से स्किल्स एक्वायर करें उनकी लर्निंग प्रोग्रेस क्या है वो किस तरह से जो अपनी स्टडीज़ हैं उनको कितने रेडी होते हैं वो एकदम अपना यू कैन से नॉलेज पिक करने के लिए किस तरह से फिर जो टीचर्स होते हैं वो एवेल्यूएट करते हैं मैयर करते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आती हैं अब असेसमेंट की फोर बेसिक टाइप्स हैं पहली है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास होती है डैट इज़ ये होती है बहुत क्विक असेसमेंट यानी कि ये इमीडिएट फीडबैक होता है कि एक चीज़ पढ़ाई फ़ौरन उसका टेस्ट ले लिया फॉर्म ऑफ क्विज कह सकते हैं डैट इज़ फॉर्मेटिव कि जिसमें हम देखते हैं कि क्या जो हम टीचर ने स्टूडेंट को एक नॉलेज दी है क्या वो पूरी तरह स्टूडेंट ने लर्न की है जिस तरह से टीचर ने प्लान किया था तो इट इज़ अ कंडक्टेड यू कैन से टेस्ट इट इज़ कंडक्टेड टू मोनिटर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू डिटर्मिन वेदर लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एज प्लान कि जिस तरह से प्लान की थी लर्निंग उसी तरह से चल रही है अब ये बहुत शॉर्ट टर्म में होती है बहुत क्विक uh, ये एक फीडबैक होता है फीडबैक टू द लर्नर इज़ इमीजिएट इेबल्स द टीचर टू टर्न ऑन अ टाइम टर्न ऑन अ टाइम का मतलब होता है एकदम किसी नई चीज़ की तरफ मुड़ना कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये दोनों तरह की हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि टीचर एक स्पेशल टाइम अनाउंस करके एक अलग से पूरा स्केड्यूल वगैरह बना के आपकी एक असेसमेंट करें लेकिन ये भी हो सकता है कि चलते चलते क्लास में किसी से कोई क्वेश्चन कर लिया लेक्चर के दौरान किसी से कोई एम सी क्यू पूछ लिया कोई शॉर्ट आंसर पूछ लिया डैट इज़ इनफॉर्मल या ये क्लास रूम के आउटसाइड भी हो सकती है अब इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में नॉलेज डेवलप होती है कैसे डेवलप होती है कि जैसे ही एक चीज़ पढ़ाई फ़ौरन उसका टेस्ट ले लिया तो डैट डेवलप्स नॉलेज वो मेमोराइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है चीज़ इट प्लान फॉर द फ्यूचर अचीव सक्सेसफुल आउटकम्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड प्रोवाइड्स क्विक फीडबैक ये बहुत इमिजिएट होता है मैंने बताया डिसएडवाटेज इसके क्या होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स रिसोर्सेज देन टायरिंग प्रोसेस trained एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इसके लिए चाहिए होते हैं फॉर्मेटिव uh, असेसमेंट के लिए एंड इट develops चैलेंजेस develop चैलेंजेस बेसिकली ये एक यू कैन से एडवांटेज भी है बट वी काउंट इट इन disadvantage क्योंकि ये टायरिंग थका देने वाला एक तरह का प्रोसेस होता है तो इस तरह हम कहते हैं कि ये चैलेंजेस जो है ये भी डेवलप कर देता है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास समेटिव समेटिव जो होती है ये एक पूरा जजमेंट का यू कैन से एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को हम जज कर रहे हैं दिस असेसमेंट इज़ यूज फॉर पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटिंग आउटकम्स एंड जजिंग वैल्यू सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये हमारा एग्जाम सिस्टम है जैसे समेटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे के एंड पे सारे सिलेबस का एक फ़ाइनल पेपर एक फाइनल एग्जाम डैट इज़ समेटिव असेसमेंट कि ये एक बहुत लार्ज चंक होता है लर्निंग का कि पता लगे कि हमने पूरे साल में या छः महीने में या चार महीने में स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया है या एक कम्प्लीट जितना सलेबस कवर किया है उसकी क्या लर्निंग आउटकम्स हैं तो वो जो असेसमेंट होती है डैट इज़ समेटिव दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द लार्ज चंक ऑफ लर्निंग रिजल्ट में टेक टू बी रिटर्न टू द स्टूडेंट पेरेंट्स ये रिजल्ट देने में टाइम लगता है क्योंकि इसका एक प्रॉपर रिजल्ट बनता है फीडबैक टू द स्टूडेंट इज़ यूजली वेरी लिमिटेड लेकिन इसमें ये एक चीज़ होती है कि फीडबैक जल्दी नहीं मिलता क्यों फॉर्मेटिव क्विक असेसमेंट होती है तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है लेकिन समेटिव जो है ये एक लॉन्ग असेसमेंट का प्रोसेस है तो इसके फीडबैक में भी बहुत टाइम लगता है एंड इट इज़ लिमिटेड हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल नहीं बताया जाता कि आपके ये स्कोर है एक बहुत ही समेटिव सा रिजल्ट ही इस पे दे दिया जाता है टीचर्स इंस्टीट्यूशन कैन यूज दीज असेसमेंट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसिस ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन अब जब सब स्टूडेंट्स का एक साथ रिजल्ट हो रहा है रिजल्ट आ रहा है एक साथ उनका पेपर हो रहा है हो सकता है कि एक क्वेश्चन हो या एक ऐसी डोमेन हो जो सब ही जिसमें बहुत ज़्यादा यू कैन से फ्लाइंग कलर से पास हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो पता लगेगा कि ये चीज़ सबको अच्छी समझ आई है और एक चीज़ ऐसी है जिसमें सभी फेल हो रहे हैं या कम मार्क्स गेन कर रहे हैं उनकी असेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है तो वो वीकनेस होगी और उससे पता लग लगेगा कि करिकुलम में ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या ये चीज़ ठीक तरह से नहीं बताई गई तो इससे ये चीज़ बहुत मैटर करती है इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि हमें पता लग जाता है स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें समझ आ गई हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है वो अकेडमिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं समेटिव असेसमेंट से बूस्ट इंडिविजुअल्स एक जाहिर बात है कंपटीशन से डेवलप हो जाता है पोजीशंस आती हैं वीक एरियाज़ कैन भी आइडेंटिफाइड मैंने अभी बताया एंड ट्रेनिंग सक्सेस कैन बी मेड पता लगता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये इंडिविजुअल को डीमोटिवेट कर देता है क्यों डीमोटिवेट कर देता है जब कंपटीशन बढ़ता है तो पता लगता है कि एक स्टूडेंट की ज़्यादा आगे हैं एक के कम आगे गए जबकि पढ़ा दोनों ने सेम टीचर्स से तो ये थोड़ी सी डिमोटिवेशन का फैक्टर आ जाता है बट ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की हार्डवर्किंग पे नेक्स्ट वी हैव रेक्टिफिकेशन इज लेट यानी कि अगर किसी का कोई इशू आ गया तो वो रेक्टिफिकेशन उसकी लेट होगी डिस्ट्रक्टिव एंड नो रेमेडी टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन एडवांस हमें पता ही नहीं लगता कि इसके आगे क्या चैलेंजेस होने वाले हैं नॉट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग इसमें चीटिंग भी हो सकती है स्टूडेंट्स कैन चीट तो कोई एक बहुत खास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हो सकता है टीचर बाइस्ड होकर मार्क्स देते दे. तो वो एक कम्प्लीट चेक चेक एंड बैलेंस नहीं होता है इसमें एंड नेगेटिव इफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि डी मोटिवेट का फैक्टर इसमें आ जाता है नेक्स्ट वी है डायग्नोस्टिक असेसमेंट डायग्नोस्टिक नाम से पता लग रहा है कि डायग्नोज करना किसी चीज़ को पता लगाना कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है तो ये होता क्या है कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी थोड़ी सी फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो खामियां रह जाती हैं वो डायग्नोस्टिक से पूरी हो जाती हैं डायग्नोस्टिक में हम ये देखते हैं स्टूडेंट की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो हमें नहीं पता लगी वो हम डायग्नोस्टिक से निकाल लेते हैं अब डायग्नोस्टिक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत स्पेसिफ़िक टेस्ट होता है यानी कि जिसमें हम एक ख़ास स्पेसिफ़िक डोमेन या स्पेसिफिक एरिया को हिट करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें स्टूडेंट की लर्निंग क्या है और ये वो चीज़ होती है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से सामने नहीं आती लाइक अ डॉक्टर टीचर यूज सिमिलर टेक्निक्स टू डायग्नोज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्यूपल्स इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी इसकी ये नेचर में करेक्टिव होती है क्योंकि ये स्टूडेंट की करेक्शन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है ये असेसमेंट उसकी करेक्शन के लिए की जाती है यानी कि जो खामियां फॉर्मेटिव असेसमेंट से रह गई हैं जो हमें लर्निंग वैल्यूशन नहीं पता लगी स्टूडेंट की वो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट से पता कर लेते हैं काज पता लग जाता है कि मसला आ कहाँ रहा है और ये ज्यादा टेस्ट होता है इट कैन बी डन बाई कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपलिसमेंस अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट वहां से स्टार्ट होता है जहां पर फॉर्मेटिव टेस्ट खत्म होता है और दूसरी बात यह होती है कि इससे इंडिविजुअल का जो प्रोफाइल होता है डेट इज एग्जामि और उसमें उसको ना फिर काफ़ी जगह कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज में ला के डिफरेंट असेसमेंट्स में डिफरेंट एवेल्यूशन में ला के कि ये स्टूडेंट की प्रोफाइल इस स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसे कंपेयर कर रहे हैं ये कैसे कंट्रास्ट में है तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट में देखते हैं इट इज़ मोर इंटेंसिव एंड एक्ट एज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज़ जाहिर है डायग्नोस्टिक है तो इसमें हम स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ उनको मुश्किल पेश आ रही है लर्निंग में इट इज़ मोर लिमिटेड टू लो एबिलिटी स्टूडेंट्स लेकिन ऐसा भी होता है कि ये जो स्टूडेंट्स ज़्यादा जल्दी पिक नहीं करते चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे लर्नर्स नहीं हैं उनके लिए चीज़ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि डायग्नोस्टिक होती ही करेक्टिव बेस्ड है ये नेचर में करेक्टिव होती है इट कैन भी कंडक्ट बाई ऑब्जर्विंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन क्लास रूम एक्टिविटीज़ पेयर रिलेशनशिप्स एंड इंडिपेंडेंट वर्क ये हम फिज़िकल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं हम हेल्थ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं हम स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले सकते हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन डेवलप करके वी कैन डू डायग्नोस्टिक असेसमेंट नेक्स्ट वी हैव प्लेसमेंट प्लेसमेंट सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये कि एंट्री टेस्ट होता है किसी भी जगह पे एडमिशन के लिए कह सकते हैं या किसी फील्ड uh, में एंटर होने के लिए जो हम टेस्ट देते हैं डैट इज प्लेसमेंट टेस्ट प्लेसमेंट असेसमेंट ये देखते हैं कि क्या वो स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस उसकी प्लेस बन सकती है क्या वो आ, इस पूरे जो भी पोजीशन होगी जो भी यू कैन से सीट होगी एडमिशन कह सकते हैं किसी एंट्री टेस्ट के लिए कह सकते हैं क्या क्या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो नेसेसरी हैं क्या वो स्टूडेंट उन पे पूरा उतर सकता है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो प्लेसमेंट होता है इट डिफाइन स्टूडेंट्स एंट्री बिहेवियर इट डिटर्मिस् नॉलेज एंड स्किल्स ही पोजेजेज विच आर नेसेसरी एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन अब हम बात करते हैं फंक्शंस के असेसमेंट हम करते क्यों हैं उसके क्या रोल है फंक्शंस क्या क्या है असेसमेंट के सबसे पहली बात मोनिटरिंग द प्रोग्रेस हमें पता लगता है कि स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस चल रही है वो किस तरह से आगे लर्न कर रहा है उसकी क्या लर्निंग पूरी उसकी चल रही है प्रोग्रेस तो वो होती है मोनिटर असेसमेंट के थ्रू डिसीजन मेकिंग इससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि विद स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग वेल एंड विच हैज सम वीकनेसेस नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनिंग इससे स्क्रीनिंग हो जाती है स्क्रीनिंग से मुराद है स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाते हैं कि ये ये जो है ये बहुत हाई लेवल स्टडी करते हैं ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं और ये मीडियोकर्स हैं ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग क्या कहाँ से आएगी असेसमेंट से डायग्नोस्टिक प्रोसेस डायग्नोस्टिक प्रोसेस का मतलब है कि करेक्शन हो रही है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के थ्रू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन रेमेडियल कोर्सेज या इसका क्या मतलब है कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऐसे हमें यह पता लगता है कि किस स्टूडेंट को किस फील्ड में जाना चाहिए तो उनके उनकी फील्ड के लिहाज से उनको उन कोर्सेज में फिट कर देते हैं डेट विल बी प्लेसमेंट टेस्ट फिर है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का मतलब यह है कि टीचर किस तरह से अपने जो इंस्ट्रक्शन है उनको प्रिपेयर करेगा अपने लेक्चर को किस तरह से प्रिपेयर करेगा कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में इजाफा हो इवेल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इसका इट्स क्लियर कि एवेल्यूशन होती है मेयमेंट होती है नेक्स्ट फीडबैक इस साफ फॉरन रिस्पॉन्स आता है एंड मोटिवेशन ये सारी चीज़ें मैटर करती है फंक्शन ऑफ असेसमेंट में नेक्स्ट वी हैव नेचर नेचर ऑफ असेसमेंट क्या होगी सबसे पहली बात तो हो ये होती है कि ये लर्निंग प्रोसेस का मेन पार्ट होता है असेसमेंट अब ये बहुत आ, लिंक करती है करिकुलम और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ कि हमारा क्या सिलेबस है और उसको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है ये असेसमेंट की नेचर होनी चाहिए क्लासरूम की जो असेसमेंट होती है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं यानी कि टीचर की भी असेसमेंट होती है स्टूडेंट की भी असेसमेंट होती है स्टूडेंट की तो ऐसे होती है ना कि वो उसने एग्जाम दिया या कोई क्विज दिया या कोई असेसमेंट की तो पता लग गया कि स्टूडेंट इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है टीचर की किस तरह से असेसमेंट होती है कि टीचर ने जो पढ़ाया क्या वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से याद हुआ है क्या स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीनशियन uh, अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के हवाले से क्लियर है जो टीचर ने उसको पढ़ाया तो दोनों का फीडबैक मैकेनिज्म साथ साथ चल रहा होता है दोनों का साथ साथ यू कैन से इमीजिएट रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि किसने क्या किया और किसने क्या किया दोनों चीज़ें साथ साथ मोनिटर हो रही होती हैं इट गिव स्टूडेंट्स मईर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर्स पता लग जाता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेश्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ असेसमेंट वही उसकी कंटिन्यूएशन ही है कि क्या होती है असेसमेंट की नेचर इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर टीचिंग प्रोसेस कि स्टूडेंट्स किस तरह से लर्न कर रहे हैं वो किस तरह से नॉलेज गेन कर रहे हैं और वो किस तरह से अपने टीचर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नेक्स्ट वी हैव पर्पज ऑफ असेसमेंट पर्पज़ ऑफ असेसमेंट क्या हो सकता है कि हमें पता लगे कि स्टूडेंट को या चिल्ड्रन को पता है क्या लगे हमें यह पता लगे कि स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं और वो इससे ज़्यादा किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं एंड फाइंड अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व दैम इन लर्निंग प्रोसेस मैं इसका जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ हमें यह पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की स्पेसिफिक नीड क्या है उससे हमें असेसमेंट उस हवाले से असेसमेंट बनती है फिर प्रॉपर करिकुलम जो हमारे पास होता है उसी तरह से करिकुलम बनाएंगे जिस तरह से इंडिविजुअल की नीड होगी और इन दोनों की बेसिस से हमें पता लगेगा कि हमारी असेसमेंट इस तरह की होनी चाहिए फिर असेसमेंट का एक ये भी पर्पस होता है कि हम प्रोग्राम्स एक्सटेंड करते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं हम वो प्रोग्राम्स ही नहीं रखते जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा टफ़ हों या उनके लेवल पर पूरे ना उतरे कम्युनिकेट विद पेरेंट्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड लर्निंग असेसमेंट के दौरान ये जरूरी होता है कि uh, स्टूडेंट्स के ऊपर एक टफ हैंड रखा जाए या तो टीचर पेरेंट कॉन्फिडेंस होनी चाहिए या पेरेंट्स को बताया जाए कि आपके चिल्ड्रन की ये प्रोग्रेस चल रही है और एंड पे हेल्पिंग टीचर्स टू मेक लेसन एंड एक्टिविटी प्लान तो ये चीज़ें थी कि असेसमेंट का ये पर्पज होता है नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट यही होता है कि हमें ये पता लगे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ये सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन एक खास आइडिया एक पूरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए माइंड में कि व्हाट इज़ असेसमेंट हम असेसमेंट करते क्यों हैं उसकी क्या टाइप्स हैं उसकी क्या नेचर है क्या पर्पस है क्या प्रिंसिपल है तो बेसिकली एग्जाम्स में ये घुमा फिर के एम सी क्यों आ जाते हैं कि नेचर ऑफ़ असेसमेंट में ये चीज़ शामिल थी या परपज में थी या प्रिंसिपल्स में थी तो डेट तो विल बी क्वाइट क्रिटिकल तो बेहतर ये है कि इनको गौर से पढ़ा जाए तो प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है क्या वो परफॉर्म कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और जो हमारे कोर्स के कॉम्पोनेट हैं क्या हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है उसमें और गुड असेसमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू रिपोर्ट क्रेडिबिलिटी टू पेरेंट्स ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट यानी अगर एक स्टूडेंट अच्छा अचीव करें तो आप उसके पेरेंट्स को बताओ कि योर स्टूडेंट योर चिल्ड्रन इज हैविंग अ वेरी गुड असेसमेंट नेक्स्ट वी हैव गुड असेसमेंट रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ पर्पज गोल्स स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया अब जो असेसमेंट है उसमें ये चीज़ क्लैरिफाई होती है कि हमारे ये पर्पज थे ये गोल्स थे ये अचीव हो चुके हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं और ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया उसमें मस्ट पता होना चाहिए कि हम इस सर्कल में इससे हमें इट रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ मैयर्स एंड दिस मैथड यूज शुड बी वैलिड रिलाईबल एंड कंसिस्टेंट असेसमेंट का मैथड बहुत वैलिड होना चाहिए इसमें किसी किस्म की खामी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट लर्निंग को अफेक्ट करेगा अगर असेसमेंट में ज़रा सी भी खामी है तो इससे ये नुकसान होगा कि स्टूडेंट की हमें पता ही नहीं लगेगा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है वो कैसा लर्न कर रहा है और उसकी एंड पे वैल्यूशन क्या हो रही है वो तो फिर ठीक uh, होगी नहीं असेसमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू आउटकम्स एंड प्रोसेस सो दैट वॉज ऑल अबाउट द असेसमेंट असेसमेंट है क्या स्टूडेंट्स की लर्निंग को उनकी सारी प्रोग्रेस uh, को एक तरह से डॉक्यूमेंट करने का जो तरीका है डैट इज़ असेसमेंट इसकी फोर टाइप्स है फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट फॉर्मेटिव होती है हमारे पास जो क्विक फीडबैक के तौर पे यूज होती है कि हमने फ़ॉरन कुछ पढ़ाया फॉरन पूछ लिया डैट इज़ फॉर्मेटिव बहुत शॉर्ट होती है ये उसके बाद जो फॉर्मेटिव में चीज़ें रह जाती हैं वो हम डायग्नोस्टिक में कवर कर लेते हैं प्रॉब्लम देख लेते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हम उसको वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद हमारे पास आती है समेटिव समेटिव में हम सारे सिलेबस को यह सारी नॉलेज को एक साथ उसका टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को अगर एक ही तरह का टेस्ट दिया जाए तो वो किस कैटेगरी में फॉल करें तो डैट इज़ समेटिव असेसमेंट एंड पे हमारे पास आती है प्लेसमेंट प्लेसमेंट कोई भी एंट्री टेस्ट हो सकता है कि क्या हाँ स्टूडेंट की हम हाँ देख लें कि क्या वो किस कोर्स में बेहतर तरीके से जा सकता है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है डैट इज प्लेसमेंट असेसमेंट सो डैट वॉज ऑल अबाउट द असेसमेंट्स